हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्पीकिंग इंग्लिश इफेक्टिवली. सो यू कैन सी हियर फ्रॉम स्टेज फियर टू कॉन्फिडेंट. सो इफ यू वांट टू बी लाइक दिस देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लिसन टू ऑल द वीडियोस वेरी केयरफुली. सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी विल लर्न दैट व्हेन टू यूज येस एंड नो. ये देखने में तो बहुत सिंपल लगता है येस और नो, पर इसको कैसे करेक्टली यूज करना है हमको ये लर्न करना बहुत जरूरी है. जैसे डू यू लाइक करी, यस. अब ये इनफॉर्मल है ना. इज इन दैट बिल्डिंग ब्यूटीफुल, या वेरी ब्यूटीफुल. तो ये कैसा इनफॉर्मल में. यू कैन ऐड योर एडजेक्टिव्स आल्सो, या वेरी ब्यूटीफुल. आर यू शुभा सिस्टर, नो. अब अकेले अगर आप नो कहते हैं तो ये रूड लगता है ना. तो आपको जो पोलाइट पीपल दे ऑलवेज यूज समथिंग एल्स आफ्टर द वर्ड नो. डिड यू वॉच अ टीवी लास्ट नाइट? नो, आई डिडंट गो, आई डिडंट गेट अ बुक, है ना. तो उसने कहा मैंने नहीं देखा टीवी, मैंने एक बुक पढ़ी. तो ये देखिए, आप एक सेंटेंस अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कभी नो अकेले मत बोलिए, उसके संग जरूर कुछ ना कुछ ऐड करिए, है ना. नो आई डिडंट गेट अ बुक. व्हाट्स द मैटर? आई एम थर्स्टी. इनको आप रिपीट करिए, इनको बोलना सीखिए. कैसे आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे आपको ये बोलना है. व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आई लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज. व्हाट्स द मैटर? आई एम हंग्री. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? थैंक्स, आई लाइक अ पैकेट ऑफ चिप्स प्लीज. ठीक है. अब आपको कैसे लोगों को इन्वाइट करना है इसको सीखिए. लिसन एंड रिपीट. फॉर्मली, अगर आप फॉर्मली किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जैसे आप अपने से बड़े को, किसी सम्मानीय व्यक्ति को, आप कर रहे हो, वुड यू लाइक टू कम टू डिनर ऑन थर्सडे? कैसे बोलना है? वुड यू लाइक टू कम टू डिनर ऑन थर्सडे? वुड यू प्लीज शेयर मी, है ना. आस्किंग फ्रेंड्स, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं. व्हाट अबाउट गोइंग टू अ फिल्म? हाउ अबाउट कमिंग टू द बीच दिस आफ्टरनून? डू यू वॉन्ट टू कम टू अ फुटबॉल मैच टुमारो नाइट? ठीक है. तो आप अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चंस बना के यूज कर सकते हैं. तो आप इन क्वेश्चंस को फ्रेम करिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, इनको प्रैक्टिस करिए. व्हाट अबाउट गोइंग टू अ फिल्म? व्हाट अबाउट ईटिंग डिनर? व्हाट अबाउट प्लेइंग, है ना. इस टाइप से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं. हाउ अबाउट कमिंग टू द बीच? हाउ अबाउट कमिंग टू माई हाउस, है ना. डू यू वॉन्ट टू कम टू फुटबॉल मैच? इस ड्रिल को करिए, प्रैक्टिस करिए. इसमें एक सेंटेंस मैंने आपको करके दिया है, बाकी आप खुद करिए. आस्क अ फ्रेंड टू कम ऑन अप टू अ पार्टी ऑफ मंडे. आपको अपने फ्रेंड को मंडे को पार्टी में बुलाना है, तो आप कैसे बोलेंगे? हाउ अबाउट कमिंग टू माई पार्टी ऑन मंडे? सो वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी ऑन मंडे? इस टाइप से आप ये क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, इनको प्रैक्टिस करिए. जितना ड्रिल करेंगे तो इन्वाइट करना आप लोगों को सीखेंगे. अब इन्विटेशन, किसी ने आपको इन्वाइट किया तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे? कैसे? यस, यस कैसे बोलेंगे? जैसे किसी ने आपसे बोला वुड यू लाइक टू प्ले टेनिस नेक्स्ट ट्यूजडे? यस आई वुड लाइक दैट, यस आई वुड लाइक दैट. ये छोटे छोटे फ्रेजेज हैं, इनको याद कर लीजिए. जब आप इंग्लिश में बोलते हैं, जरूरी अगर नहीं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में अच्छे अच्छे सेंटेंसेज यूज करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेजेज यूज करते हैं, तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, डू यू वॉन्ट टू कम? दैट साउंड्स ग्रेट. अब ये इसको अब याद कर लीजिए, दैट साउंड्स ग्रेट. किसी ने आपसे कहा मूवी देखने चल रहे हो, यहाँ चल रहे हो, तो आप बोल सकते हो दैट साउंड्स ग्रेट. वुड यू लाइक टू कम राउंड फॉर अ गेम ऑफ चेस? यस ओके. व्हाट टाइम? आप उसे ये भी पूछ सकते हैं, किस समय आऊं? यस ओके, आई एम रेडी. इस टाइप से तो इसको कहना, इन इन्विटेशंस को रिप्लाई करना बहुत जरूरी है. अगर नो कहना है तो कैसे बोलोगे? डू यू वॉन्ट टू कम स्विमिंग ऑन मंडे? आई एम सॉरी, आई कांट, इट्स माई मदर्स बर्थडे. ठीक है, केवल आई एम सॉरी, यू नो आई कांट कम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके धीरे धीरे बोलने की कोशिश करिए. आई एम सॉरी आई कांट, इट्स माई मदर्स बर्थडे. हाउ अबाउट कमिंग राउंड टू वॉच अ वीडियो? आओ अपन वीडियो देखें. सॉरी बट आई एम लुकिंग आफ्टर माई लिटिल ब्रदर. तो आप सॉरी बोल के क्या कर रहे हैं वो चीज को एक लाइन में, शॉर्ट में बोल सकते हैं. व्हाट अबाउट कमिंग टू द बीच ऑन थर्सडे मॉर्निंग आफ्टरनून? थैंक्स फॉर आस्किंग मी, बट वी आर गोइंग टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये भी एक तरीका है सॉरी कहने के बजाय, ये बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी, थैंक्स फॉर आस्किंग मी, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, है ना. और फिर आप बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं.
तो सॉरी, थैंक्स, इन वर्ड्स को आप यूज करके इन्विटेशन को रिफ्यूज कर सकते हैं. एक्सेप्ट करने के लिए येस, आई वुड लाइक दैट, दैट साउंड्स ग्रेट, ओके, आई एम रेडी, इस टाइप से यूज कर सकते हैं. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत गलत बोलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया. इसको रिपीट करिए आप मेरे पीछे पीछे, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजिप्ट, चाइना, चाइना, जापान, जापान, इटली, इटली, ब्राजील, ब्राजील, यूएसए, यूएसए, रशिया. ठीक, इनकी नेशनैलिटीज हैं, इनको भी इनके संग बोलेंगे. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन. अमेरिका, अमेरिकन. इटली, इटालियन. इजिप्ट, इजिप्शियन. इसको कैसे बोलेंगे? इजिप्शियन. चाइना, चाइनीज. जापान, जापनीज, जापनीज. ब्रिटेन, ब्रिटिश. स्पेन, स्पैनिश. ओके, अब ये देखो, ओ आर की साउंड को कैसे बोलना. जब भी आर, ध्यान रखना है कि बीच में आता है, तो उसको हम बहुत हल्के से करते हैं. जैसे फॉर, फॉर, है ना. हॉर्स, देखो आर का प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, हॉर्स. मॉर्निंग, मॉर्निंग. ओ, ओ, ए डब्ल्यू ओ. ड्रॉ, सॉ. यॉन, ओ यू. थॉट, बॉट, फॉट, है ना. ऑट, ओ, ओट, ए यू. नॉटी, सॉस, पॉज. ठीक, तो इन सब वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए बार बार. ओ यू, जहां पे आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं साउंड्स, ओ आर की साउंड है, ए यू की साउंड है, ओ यू की साउंड है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए साउंड्स को, इनको रिपीट करिए. और है ना, हॉर्स, मॉर्निंग, ओ, ड्रॉ, ऑट, थॉट, ए यू, ऑट, नॉटी. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंग्लिश को, आपकी प्रोनाउंसिएशन को बहुत इंप्रूव करेंगी और आपको एक अच्छे इंग्लिश में बोलना सिखाएंगी. नेक्स्ट, आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रही हूँ कि सिलेबल्स को हम कैसे स्ट्रेस करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कई लोग बोलते हैं केमिकल, 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 ये गलत है. कैसे बोलना है? केमिकल, केमिकल. ई पे हमारा स्ट्रेस आ रहा है, केमिकल. ऐसे डिक्शनरी, डिक्शनरी, अरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी नहीं, डिक्शनरी नहीं बोलना है, ठीक है. डिक्शनरी, डिक्शनरी. एग्जाम्पल, ई, ई के बाद स्ट्रेस आता है, ई, ई पे स्ट्रेस. एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल. होम वर्क, ये कंपाउंड वर्ड है, दो से मिलके बना है, तो अलग अलग इनका. होम वर्क, होमवर्क नहीं, होम वर्क. इम्पोर्टेंट, देखा, तीन स्ट्रेस आ रहे हैं इसमें, इम्पोर्टेंट. अब पो आर, आर को हमें जोर से नहीं बोलना है, इम्पोर्टेंट नहीं बोलना है, ठीक है. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट. आर जो है साइलेंट रहेगा. इनविटेशन, इनविटेशन. जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स हैं और जबकि टीथ हैं वो बिल्कुल शार्पन से होते हैं. इनविटेशन. अपने मुंह को मूव होने दीजिए, शर्माइए मत, मुंह को मूव करिए. जितना मुंह में मूवमेंट आएंगी उतने आपकी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी होगी. कुवेट, कुवेट. टू नाइट, टू नाइट. टू नाइट, टू नाइट. टाइप राइटर, देखो ये वर्ड, वो कैप, इसको बहुत लोग गलत बोलते हैं, वो कैप यू लरी, वो कैप यू लरी. बोलो, वो कैप यू लरी. गुड, तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. अब ये लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं जो एकदम एक से लगते हैं. हॉट, हर्ट, हॉट, हर्ट. कई लोग हार्ट को, हार्ट को ऐसे बोलते हैं, हर्ट, हर्ट, ऐसे लगता है हर्ट बोल रहे हैं. ये हार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हार्ट. ये हॉट, हॉट, हर्ट. आर बीच में आ रहा है, देखो फिर से साइलेंट हो रहा है. हर्ट, हर्ट नहीं, हर्ट. लैक, लक, लैक, लक. लुक, लेक, लुक, लेक. लुक, लक, लुक, लक. सू, जू, सू, जू. टॉक, टेक, टॉक, टेक. वॉक, वर्क, देखो वॉक, इसमें एल साइलेंट है. वॉक,
वर्क, इसमें आर साइलेंट, ठीक है। तो आपने ये देखा ये कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हमारी इंग्लिश में बहुत इफेक्ट करते हैं। तो इंग्लिश में हमको तीन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, एक अपने स्ट्रेस पर कि हमें कौन से शब्द पे स्ट्रेस देना है, एक हमें ध्यान देना है इंटोनेशन पर कि कहाँ हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन कहाँ पर है। और तीसरा प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब ये प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस, जब हम प्रोनाउंस बोलते हैं तो प्रोनाउंस में अलग हो जाता है प्रोनंसिएशन, ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो इन तीन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। अब मैं अगला वीडियो जो अपना बनाने जा रही हूँ, मैंने सोचा है कि सब बच्चों को स्ट्रक्चर सिखाऊं मैं। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो सेंटेंस बनाने में भी आपको हेल्प करेंगे और आपको फ्रेजेस बनाने में भी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे जो इसमें स्पीकिंग में जो जितने वीडियोस आने वाले हैं वो स्ट्रक्चर्स को लेके आएंगे। तो दो दो तीन तीन स्ट्रक्चर्स लूंगी मैं एक बार में और आप उसको प्रैक्टिस करिए। एंड आई एश्योर यू दैट इफ यू विल प्रैक्टिस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, इफ यू विल प्रैक्टिसिंग दीज ऑल वीडियोज, योर इंग्लिश विल रियली इम्प्रूव। एंड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव, प्लीज सब्सक्राइब एंड कंटिन्यूसली वॉच द वीडियोज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।